मोदी जी का जादू अब खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और पूरी जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भ्रष्टाचारी शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का परचम लहराएगा और हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, मोदी जी ने कहा था। लेकिन ना तो शिवराज जी ये कर पाए हैं, ना मोदी जी ये कर पाए हैं। ये डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ लूटने का काम किया है। मोदी जी के अच्छे दिन आए हैं क्योंकि वो ऑल इंडिया घूम चुके हैं। जितना वो प्लेनों में खर्चा करते तब वो गरीबों में देते थे ना, तो गरीबी नहीं रहती। मेरी प्यारी बहनों, अब मैं सिंगल क्लिक करने ही वाला हूँ। बहनें खुश हो गईं, बहनों ने देखा मामा क्लिक करने वाले हैं। जैसे मामा का पर्दा यहाँ से हटा और क्लिक हुआ तो पता चला 250। बहनें बोली कैसो मामा रे झुट्टा मामा। अब तो उसी मामा की विदाई ना करेगा। नमस्कार, आदाब। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। तो अभी तो मध्य प्रदेश चुनाव का घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन अभी से ही तैयारियां शुरू कर चुकी है। तो हम भी चुनावी यात्रा को लेकर पहुंच गए हैं सागर में। सागर में जहां पर एक कुर्मी महासभा हो रहा है जिला का, तो यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में, किसको सरकार बनानी है, क्या करना है, क्या इनकी मुद्दा है। तमाम मुद्दों पर इनसे हम बात करने वाले हैं। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम योगेश पटेल है। जी, तो क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम लोगों ने सबने सोचना तो ठीक है, हम लोगों ने ठान लिया है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और पूरी जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भ्रष्टाचारी शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का परचम लहराएगा और हम जैसे युवा जो बेरोजगार है, किसान जो परेशान है, जो महिलाएं अभी भी जिन पर बहुत सारी परेशानियां और जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, और जो गरीब मजदूर हैं जिनको अपना हक नहीं मिल पा रहा है, और महंगाई से पीड़ित हमारी आम जनता जो है उनको न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है, तो इनको न्याय दिलाने के लिए हम सब ने ठान लिया है कि इस बार कमलनाथ जी का हाथ हम थामेंगे और कांग्रेस को इस बार हम पूर्ण बहुमत से लाएंगे। पूरी जनता ने ठान लिया है। लेकिन भाजपा तो दावा कर रही है कि 160 सीटें हम खुद जीत रहे हैं, अमित शाह ने भी दावा किया है। अब देखिए, दावा ये लोग करते हैं, दावा इसलिए कर रहे हैं ये लोग क्योंकि ये समझ चुके हैं कि ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। इनकी जो पैरों के नीचे से जमीन थी ये खिसक चुकी है। अब ना इनके साथ जनता है और ना ही अब इनके साथ जनता का विश्वास है। अब सिर्फ इनके खोखले वादे और खोखली घोषणाएं और खोखले इनके दावे बस रह गए हैं और कुछ नहीं इनके पास है। तो क्या लग रहा है, मोदी जी का जादू नहीं चलेगा क्या मध्य प्रदेश में? मोदी जी का जादू अब खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि हमें न्याय चाहिए। अब जो हमें न्याय दिला पाएगा, भरपूर शोषण किया है पिछले लगभग 20 वर्षों से। जैसे तैसे जनता ने 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उस सरकार को भी छल से, पैसों से, कपट से इन लोगों ने सरकार गिराने का काम किया भाजपा ने। लेकिन अब जनता ने ठान लिया है कि हम जनमत दे के हम सरकार बनाते हैं कांग्रेस की, और ये भाजपा वाले लूट खसूट करके, पैसों की राजनीति करके ये लूट लेते हैं। ये जनमत को लूटा है, इन्हें जनता के साथ धोखा किया है। वो तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हो रहा है आप लोग को, मामा जी तो डबल विकास कर रहे हैं। डबल इंजन है, लेकिन डबल इंजन ये भ्रष्टाचार का है। दोहरी मार पड़ रही है ये, चाहे आम जनता हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे कोई भी आदमी हो, कोई भी इनसे राहत नहीं पा पाया है अभी तक। सभी ने इनका शोषण किया है और शोषण इतना किया है कि अति कर दी इन्होंने। इन्होंने कहा था कि 2013-14 में मुद्दा उठाया था कि महंगाई है। स्मृति ईरानी जी, जब महंगाई बढ़ी थी तो ये चूड़ियां लेकर घूमती थी कि कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फेंकेंगे, सब्जी की मालाएं और गैस की टंकी को लेके बीच रोड पर धरना देती थी। अब कहां गई वो? अब कहां गई वो जब यहां आम आदमी पीड़ित है, महंगाई से पीड़ित है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, मोदी जी ने कहा था। लेकिन ना तो शिवराज जी ये कर पाए हैं, ना मोदी जी ये कर पाए हैं। ये डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ लूटने का काम किया है जनता को, और जनता को अन्याय के सिवा कुछ नहीं मिला है। आज किसान, आज ये बारिश जो हो रही है या अतिवृष्टि जो हो रही है, इससे उड़द की फसल सड़ चुकी है, सोयाबीन की फसल आधे से ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन एक भी स्टेटमेंट अभी मध्य प्रदेश सरकार से नहीं आया है कि वो किसानों का सर्वे करवा के, खेतों का सर्वे करवा कर मुआवजा देंगे। चलिए ठीक है, मेरी प्यारी बहनों, अब मैं सिंगल क्लिक करने ही वाला हूँ। बहनें खुश हो गई,
बहनों ने देखा मामा क्लिक करने वाले हैं। जैसे मामा का पर्दा यहाँ से हटा और क्लिक हुआ तो पता चला 250। बहने बोली कैसो मामा रे झुट्टा मामा। अब तो उसी मामा की विदाई ना करेगा। आप क्या सोच रहे हैं सर, क्या होना चाहिए मध्य प्रदेश में? हम तो सोच रहे हैं कि मामा जी की विदाई हो मध्य प्रदेश से। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि पिछड़ों का सबसे उदार हम ही कर रहे हैं, भाजपा ही कर रही है। अब ना उन्होंने पिछड़ों का उद्धार किया है, ना अंगड़ों का उद्धार किया है। मामा जी ने तो उद्धार किया है, अपनी मामी का उद्धार किया है। आप पन्ना में जाके देखिए, रेत में अचली पूरी। उन्होंने केवल मामी का उद्धार किया है और उनसे जुड़े हुए लोगों का उद्धार किया है, कहीं उद्धार नहीं किया। देखिए यहाँ नौजवान एवा खड़े हैं, यहाँ पर कोई नौकरी नहीं है, पूरे बेरोजगार घूम रहे हैं। कहीं मोदी कहते पकौड़े तलो, अब पकौड़े तलने के लिए तेल इतना महंगा हो गया, अब कहाँ से पकौड़े तलें। अब ऐसे नहीं, हम तो चाहते मामा जी की विदाई हो भैया। वो तो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, 1000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं, 450 का सिलेंडर कर दिया, अब तो जनता हमारे साथ हो गई है। अब देखिए 1000 रुपया में का होते है, दाल कितनी महंगी है, चावल कितो महंगो है, घी कितो महंगो है। अब उनकी बहनाहन की याद आ जाइए आई 18 साल बाद। 18 साल से क्या कर रहे थे, कब मैं बहने नहीं थी पहले, अब कहाँ से जी बहन लाड़ली बहना हो गई। और हम शिवराज सिंह से कहना चाहते हैं, यदि आप इतने एहतेसी हैं, अभी पिछला स्टेटमेंट देख लीजिए आप, रक्षाबंधन के टाइम पर 3000 रुपये की बात करते थे, एक बड़ा एक कार्यक्रम किया भोपाल के अंदर, लाखों महिलाओं को जोड़ा और वहाँ भाषण देते हैं, मेरी प्यारी बहनों, सबने मन मना लिया। अच्छा, विदाई का? विदाई का। चलिए भाई साहब, आप क्या सोचते हैं सर मध्य प्रदेश में क्या होना चाहिए? आप जे बताइए, मामा लाडली बहना को 1000 रुपए दे रहा, मामा क्या जेब से दे रहा है? वो तो कह रहे अच्छे दिन आ गए और आप कह रहे कर्ज ले रही है सर। अरे अच्छे दिन कहाँ आ गए, पेट में जो बच्चा है उसके ऊपर 40000 रुपए का कर्ज हो रहा है, इसका भुगतान कौन करेगा, जनता करेगी? तो आप क्या चाहते हैं इस बार क्या हो? मम्मा तो गयो। आप क्या सोच रहे हैं सर इस बार क्या होना चाहिए? अब एक युवा है, एक सत्य बात है, ये बहुत जमीन से जुड़ी बात है कि इस बार मामा मुख्यमंत्री, कांग्रेस की 150 सीट आ रही है, मुख्यमंत्री की केवल 70 से 75। क्यों आ रही है? क्योंकि आज युवा बेरोजगार है। अब हम लोग फॉर्म डालते हैं, वैकेंसी आई, फॉर्म डाला, 15-15 लाख में पटवारी के एग्जाम बेच दिए। पूरी भर्तियों में घोटाला है, पटवारी में घोटाला है, पुलिस आरक्षक भर्ती में घोटाला है, हर प्रकार से हर चीज में घोटाला है। कैसे आ जाएंगे मामा मुख्यमंत्री? अच्छे काम नहीं कर रहे मामा जी। एक भी काम ऐसा नहीं है। आप फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो, 1000 रुपए में महिलाओं से सीधी बोट खरीद रहे हो, आप उनके बच्चों को रोजगार की व्यवस्था कर दो, आप युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कर दो, वो खुद इतने सक्षम हो जाएंगे, उन्हें 1000 रुपया महीने लेने की क्या जरूरत है? नहीं, वो तो कह रहे हैं सीखो और कमाओ, एक योजना ये स्कीम आया है जिस बच्चों को सिखाया जाएगा 8.5 हजार महीने मिलेंगे। नहीं, इसका आप जमीनी धरातल पर सर्वे करिए ना। ये केवल और केवल जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनते हैं, अभी चुनाव आने वाला है, युवाओं को एजेंट बनाना उनको, इसलिए वो इस प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं, रोजगार देने की योजनाएं नहीं है। अच्छा। रोजगार देना होता तो भर्तियों में घोटाला नहीं होता। आज प्रत्येक मंत्रियों को बांट दी गई, आप 600 पोस्टें ले लीजिए, आप 500 पोस्टें ले लीजिए, भरपूर विद्यार्थियों से पैसा ले लीजिए, फिर चुनाव में खर्च करके सत्ता में आइए। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और मामा मुख्यमंत्री का एक भी षड्यंत्र नहीं चलने वाला है। जनता ने मन बना लिया है। आप जहां जहां जा रहे हो, जन आशीर्वाद पे लोग पत्थर फेंक रहे हैं, चप्पल फेंक रहे हैं, इसी का परिणाम है, बहुत जनता बहुत त्रस्त हो गई है। अच्छा, मध्य प्रदेश में क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से कांग्रेस आएगी मध्य प्रदेश में। अच्छा जी, क्यों? भ्रष्टाचारी मचा दी है बीजेपी सरकार ने। हमारे यहाँ रहली में हमारे लगभग 150 क्विंटल पीसी आती है, तो लगभग एक ट्रॉली पे 2000 रुपए रिश्वत कोरी लेते हैं, इतना भ्रष्टाचारी मचा दी है। कह रहे भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हमने बना दिया, उनने भ्रष्टाचार प्रदेश बना दिया है, भ्रष्टाचार प्रदेश बना दिया है। लगभग 17-18 महीना कमलनाथ सरकार थी तो भ्रष्टाचारी बहुत मिट गई थी, बीजेपी सरकार फिर आई फिर भ्रष्टाचारी चालू हो गई। तो लग रहा है कमलनाथ आएंगे तो कुछ अच्छा होगा। हाँ, कमलनाथ आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, खास तौर के किसानों के साथ बहुत अच्छा होगा। सोच रहे हैं इस बार मध्य प्रदेश चुनाव के बारे में? इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी और हमारे कमलनाथ जी भावी मुख्यमंत्री होंगे। और क्या, बीजेपी ने बहुत भ्रष्टाचार कर दिया है, डंपर घोटाला हो गया, व्यापम घोटाला जैसे हो गए, कई लोग, कई छात्र, कई लोग मर चुके हैं। तो शिवराज जी
सोचते नहीं है जनता के बारे में। वो तो कह रहे हैं कि जनता के हित में काम कर रहे हैं हम। जनता के हित में कौन सा काम किया बताइए आप। लाडली बहना आपने 1000 रुपये दिया था, कमल लाल ने 1500 किया, आपने 1000 रुपये डाल दिए, इसके बाद में क्या डाला? कुछ नहीं। मोदी जी कह रहे अच्छे दिन आ गए, जनता हमारे साथ है। मोदी जी ने कहा था 1500000 रुपए महिलाओं के खाते में डलेगा, लेकिन खाता कब में कहाँ डाला बताओ? महिलाएं परेशान है, ओएडी करवा दी, पीडीएफ करवा दी, क्या है? कुछ नहीं हुआ अभी। अच्छा। अभी बिना रिफाइनरी आए थे मोदी जी, कह रहे थे 50 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा है, 50 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा है, लेकिन हमारे बिना में जिले में युवा बेरोजगार है, उनके लिए रोजगार मिलना था। इनके 50 लाख का प्रोजेक्ट है, युवाओं को रोजगार मिलेंगे, बाहर के लोग आ रहे हैं, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, लेकिन हमारे बिना के मध्य प्रदेश के युवा रोजगार है, हमारे क्षेत्र में रोजगार बेरोजगार है लोग, उनके लिए खाने के लिए नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि सबको रोजगार मिलेगा, अभी आए थे खाली बसें गई थी, मोदी जी ने प्रशासन पर दाव लगा दिया था कि 3500 बसें अचानक कुरवाई, विदिशा, सरोन, लटेरी, अशोकनगर से बसें आएंगी, खाली बसें गई। सिर्फ ये प्रशासन का दबाव है, मोदी जी ने दबाव बना था कि आपको भीड़ इकट्ठी करना है। हमारे जो कर्मचारी थे भूखे सोए, उनके लिए खाना की पैकेट नहीं आई, पानी था तो क्या लग रहा मामा जी कैसा काम कर रहे हैं? डबल इंजन की सरकार, आप लोग नहीं, कोई इंजन नहीं, डबल मनोबल खत्म हो गया, इनका रोला ही खत्म हो गया। इसने लाडली बहना को इस समय ने हमारे कमलनाथ जी ने महिलाओं के लिए 300 से 600 रुपए दिए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और हमारे कमलनाथ जी ने महिलाओं के लिए बहुत किया। तो क्या चाहते हैं इस बार बदलाव हो? मतलब बदलाव होगा, कांग्रेस आएगी, 150 सीट मध्य प्रदेश कांग्रेस आएगी, चाहे मोदी हो चाहे शिवराज जी हो, कितना ही दम लगा दे, हमारी जनता परेशान है, युवा परेशान है, महंगाई से परेशान है। हमारे मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार आई, हमारे कमलनाथ जी भावी मुख्यमंत्री होंगे, राहुल गांधी। अच्छा ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं सर मध्य प्रदेश में क्या होना चाहिए? भाई साहब, जनता ने 2018 में इनको नकार दिया था, और कहीं ना कहीं जनता इनने जो लूट फरोश करके जो सरकार बनाई है, तो कहीं ना कहीं वो जनता के साथ में छलावा हुआ है, और जनता इतनी आक्रोशित है कि अब कम से कम भाई साहब ने जो बोला 150, हम तो ये बोल रहे हैं 170 प्लस की लगभग आएगी कांग्रेस। अच्छा जी, अच्छा क्या नाम हुआ भाई आपका? दीपक पुरमी। क्या लग रहा है सर इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग? इस बार 50% बहुत हो गया, अब 50% की सरकार नहीं आएगी, क्योंकि ये युवा चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे वो आरक्षक घोटाला हो, ये शिवराज सिंह जितने घोटाले कर चुका, अब ये सरकार नहीं आएगी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? हमारा दशरथ यादव। अच्छा, क्या सोच रहे हैं इस बार किसकी सरकार बने? कांग्रेस। अच्छा हाँ। तो सागर में हम लोग हैं, यहाँ से भाजपा लगभग 4 साल से विधायक है, 4 ज्यादा दिनों से है, इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग? कांग्रेस आना चाहिए इस बार, 15 साल से विधायक है बीजेपी का, कांग्रेस से मिलना चाहिए टिकट। अच्छा, पिछड़ा को? अच्छा, पिछड़ा वर्ग को टिकट चाहिए। जमाकांत यादव। अच्छा सागर, आप क्या सोच रहे हैं सर इस बार? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अतुल पटेल, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अभी जो अभी G20 हुआ है, 900 करोड़ का बजट आया था, लेकिन मोदी जी ने अपने दिखावा के लिए वर्ल्ड में कि 4100 करोड़ का खर्च किया है, और जो अभी जो सिखाओ कमाओ चल रहा है उसका रजिस्ट्रेशन भर हुआ है, धरातल पे कुछ नहीं है। और मैं एक छात्र हूँ, मैं छात्र की बात करूँगा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ हॉस्टल बन रहे हैं, उनमें 18% टैक्स लिया जा रहा है, जो गरीब बच्चे हैं वो कहाँ से पढ़ेंगे, एक सोचने वाला विषय है। जो मिडिल क्लास के हैं वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो उद्योगपति अमीर लोग हैं वो तो देश में कहीं विदेश में भी पढ़ा सकते हैं, और जो बुकें हैं पढ़ाई लिखाई की। मामा जी, ये मोदी जी आपके छात्रों के हित में तो काम हो रही है ना? कहीं नहीं हो रहा, कहाँ दिख रहा है इनका काम? आइए किसी भी यूनिवर्सिटी में देखिए, पूरा बीजेपी के प्रोफेसर, कुलपति, वाइस चांसलर सब बैठे हैं, और उन्हीं के जो जो पीएचडी में आते हैं उन्हीं के कहीं ना कहीं सेटिंग से आते हैं, और ना कहीं एडमिशन होता, जो ओबीसी एसटी एससी के आते हैं उनमें एडमिशन, जो सेल प्रभारी हैं वो भी ज़्यादातर मैंने देखा जनरल के लोग आते हैं तो ओबीसी एसटी एससी की सीटें खा जाते हैं, और कहीं कहीं ना दलाली करके पैसों लेके अपने लोगों को बैठाते हैं। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है? सर, कमलनाथ की सरकार बनने जा रही है, और सागर जिले की 8 विधानसभा, सुरखी, रहली, बंडा, सागर, नरियावली, बीना, खुरई, सभी 8 सीट कांग्रेस जीत रही है।
भाजपा तो कह रही है 160 सीटें हम जीत रहे हैं और आप कह रहे हैं आप देख दीजिए जितनी न्यूज चैनल चल रहे हैं वो 55 और 56 सीट पे जा रही है भाजपा। 160 175 कांग्रेस को मिलने वाली है। अच्छा हाँ, किसी कोई भी जोर लगा ले पूरे ऑल इंडिया के विधायक सांसद मंत्रियों को बुलवा ले मोदी जी शिवराज मामा कुछ नहीं होने वाला। वो तो कह रहे हैं मोदी जी अच्छे दिन ला दिया जनता उनके साथ है, सिलेंडर फ्री मिल गए, क्या क्या मिल गए। मोदी जी के अच्छे दिन आए हैं क्योंकि वो ऑल इंडिया घूम चुके हैं। जितना वो प्लेनों में खर्चा करते तब वो गरीबों में दे देते ना तो गरीबी नहीं रहती। अच्छा हाँ जी, तो प्लेन पे घूम रहे हैं गलत है क्या? प्रधानमंत्री है तो घूमना चाहिए ना? नहीं, इतना नहीं घूमना चाहिए। मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे, राहुल गांधी भी रहे, इंदिरा गांधी जी भी रही, इतने कोई प्रधानमंत्री विदेश नहीं घूमा। अच्छा। इनको विदेश से फुर्सत नहीं है, वो देश की क्या सोचेगी। अच्छा। हाँ जी, चलिए भाई साहब लोग हैं, आप क्या सोच रहे हैं सर मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस तो पक्की ही है। अच्छा। क्योंकि आप खुद जान रहे हो कि बीजेपी का एक दिखावा रहता है। अच्छा। मेरी ये योजना वो योजना ये उद्यान। अब जैसे मान लो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कम्प्लीट कर ली, उसके बाद रोजगार तो मिला नहीं उसको, फिर उस मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, मम्मा को जाना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल से बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, जरूरी भी है। खास गरीब जनता की कोई है नहीं। आप जैसे मान ले मोदी जी ने नोटबंदी की थी, बोला था इससे बड़े आदमी, ये बताओ कौन सा अधिकार या कौन सा बैंक की लेन में लगा है, कोई लगा है आम जनता के अलावा? उनके पैसों के नोटों के बैग भर के सीधे घर से गए और घर पे वल्द में पहुंच गए। आज तक कोई को देखा आपने या कौन भी बड़ो अधिकारी या बड़ो नेता या कोई भी आदमी लगा लाइन में कहीं? नोटबंदी तो देश के हित में था ना मोदी नहीं, जी तो वो हित में था। अगर ये बताओ कि नोटों में कोई बोला या मान ले उनने बोली जीएसटी, जीएसटी से मान ले कई व्यापारियों को वो है, आज जो है व्यापारी को जो चीज 5 की मिल रही थी बस 7 की मिलने लगी, वो ग्राहक 10 की देने लगो, ओके बाप को कहा परेशानी है सरकार, परेशानी क्या चाहते इस बार मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश से मम्मा को जाना चाहिए, विधायक होने ही चाहिए। अच्छा, अब कई किसान के सम्मान निधि, हमने खुद 10 बेर कागज दे दिए पटवारी होना सबको, कहीं से कहीं तक सुनाई नहीं है, आ नहीं रहो 1 रुपया सम्मान निधि को। तो अभी हम सागर में है जहां पर हमारे साथ जनता खड़ी थी और जनता से हमने जानने का प्रयास किया कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। ये जनता कह रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, वोट के माध्यम से सरकार चुनती है, बदलती है। जनता ने अपनी राय दे दी है, आपकी राय क्या है प्लीज कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। जय हिंद, जय भारत।